दोस्तों जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप के लिए कई बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आज भी अडानी मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस घटना के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए थे और संसद में राहुल गांधी ने ये भी पूछा था कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि अमीरों की लिस्ट में दो नंबर पर कैसे आए अडानी। तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि विजय माल्या को किसने बढ़ाया। राहुल गांधी बोले संसद में अडानी पर चर्चा से सरकार डर रही है। लोकसभा और राज्यसभा भी स्थगित हुई कई बार इस मामले को लेकर और हाल ही में कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में बोले थे कि कांग्रेस की बर्बादी पर रिसर्च तय हो चुकी है। हालांकि पीएम मोदी ने अडानी का जिक्र तक नहीं किया। राहुल गांधी बोले कि वे अपने दोस्त को बचा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ पॉलिटिकल मसला चल रहा है अडानी मामले को लेकर, लेकिन अब ये अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका आपको पता होगा और इस पर अपन कुछ अपडेट देखें। इससे पहले देखिए आप अडानी के लिए एक और नई मुसीबत आ चुकी है। शेयरों के स्टेटस का रिव्यू करेगा MSCI। निवेशकों में हड़कंप है, 15% तक शेयर भी गिरे। दरअसल अडानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव को देखते हुए ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स यानी कि MSCI अनिश्चितताओं के चलते अडानी ग्रुप के फ्री फ्लोट को रिव्यू करेगा और अडानी पर MSCI के इस एक्शन के बाद एक बार फिर से अडानी के शेयर्स में धड़ाम से गिरावट देखी गई। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा अडानी ग्रुप के कंपनियों में प्रॉफिट की खबरें आई थी तो उसके बाद अडानी के कई शेयरों में बढ़ोतरी हुई थी और यहां तक कि अडानी टॉप अमीरों की लिस्ट में भी 22वें नंबर पर थे जो वापस 20वें नंबर पर आ गए थे। लेकिन आज अडानी ग्रुप के लिए कुछ और बुरी खबरें भी आई है। देखिए आप एक और अपडेट कि नॉर्वे वेल्थ फंड ने अडानी ग्रुप में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच डाली है। नॉर्वे के लगभग 1.35 लाख करोड़ डॉलर वाले सॉवरेन वेल्थ फंड ने आज गुरुवार को बताया कि उसने मुश्किलों से जूझ रहे अडानी ग्रुप में अपनी सभी बची हुई हिस्सेदारी को बेच दिया है और नॉर्वे के वेल्थ फंड ने ये हिस्सेदारी ऐसे समय में बेची है जब अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले कुछ दिन से पहले से भारी गिरावट और अस्थिरता देखी जा रही है। तो इन हालातों के बीच अडानी ग्रुप के लिए ये वाकई में एक और बुरी खबर है। और दोस्तों हिंडनबर्ग विवाद के बीच अडानी की 6 कंपनियों का मर्जर भी होगा। NCLT की तरफ से इसको हरी झंडी भी मिल चुकी है। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अडानी ग्रुप की 6 सब्सिडियरी कंपनियों को मर्जर को मंजूरी दे दी है और वो कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड और APL के साथ अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड का अडानी पावर में विलय होगा। वैसे गौतम अडानी ने आज कहा कि समय से पहले वो बैंकों का कर्ज लौटा देंगे। 4100 करोड़ रुपए का लगभग बैंक लोन जो है वो समय से पहले ही चुका देंगे, ये मसला है। हालांकि दोस्तों 10 फरवरी से ही अडानी और अंबानी समेत देश और दुनिया के 300 से ज्यादा दिग्गज कारोबारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है 3 दिन तक रहेगा, ये 10, 11, 12 फरवरी तक। तो इसमें अडानी अंबानी समेत देश के कई बड़े उद्योगपति और दुनिया के भी बड़े बड़े दिग्गज कारोबारी शामिल होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि अडानी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल 10 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी। अडानी मामले की हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कल 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर इस रिपोर्ट के बाद 11% तक और टूटा। एक दिन पहले 23% बढ़ा था और अभी 4,4100 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगा अडानी ग्रुप, ये लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। देखते हैं अडानी मामले को लेकर आगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या नया फैसला आता है या सुनवाई की अगली तारीख कब आती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ऐसे ही मार्केट और फाइनेंस खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और दोस्तों आपके मन में भी इस मामले से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।